आज जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी रहस्यमय सीक्रेट विषय है। पेशेंट को ये बहुत आवश्यक है जानना कि भाई परहेज क्या करें। अब यदि इन्फेक्शन है, कहीं पर भी इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन, मान लो लंग्स में हो, ब्रोंकाइटिस, लीवर में हो, हेपेटाइटिस, इंटेस्टाइन में हो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, प्रोस्टेट में हो, प्रोस्टाइटिस, यदि कहीं पर भी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, स्किन में है तो डर्मेटाइटिस, तो ये मान के चलिए कि उसको भोजन में परहेज करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, वो एंटीबायोटिक लिया, थोड़े दिन आराम हो गया, फिर वहीं का वहीं ज्यों का त्यों पहुंच जाएगा, या वो ये डॉक्टर वगैरह स्टेरॉइड दे देंगे तो उसको थोड़ी देर के लिए बच जाएगा, फिर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि एग्रीवेशन जिस कारण से हो रहा है वो क्या है जो उसको इरिटेट कर रहा है उसके बॉडी को, वो क्या है जो उसके शरीर को इन्फ्लेम कर रहा है। जैसे आप बैठे हुए हैं, मैं आपको रोज गुस्सा करूं तो आप इन्फ्लेम हो जाएंगे, वैसे शरीर को आप रोज जो है वो पॉइजन एसिड डालते रहेंगे तो बॉडी इन्फ्लेम होगी नहीं होगी, वैसे ही है। तो वो क्या न दें, वो वही है परहेज। देखिए, दिवा स्वप्न अग्नि संताप व्यायाम आतप मैथुनम माशा कुलथ्या निष्पावा कलाया क्षार सेवना। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो फूड रिलेटेड हैं और लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं। दिन में न सोने दें, 10 मिनट की नैप ले ले, उससे ज्यादा न सोए, और अग्नि संताप बहुत ज्यादा आग में काम न करे। आप देखिए, जितने भी ये जो कुकिंग करने वाले जो शेफ होते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा एसिडिटी की, ये जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, मैंने देखा है। मेरे पास में जो कुक्स आते हैं बैंगलोर वगैरह के, जो यहाँ के उड़पी के रहने वाले हैं और बैंगलोर में कुकिंग का काम कर रहे हैं, उनकी स्किन पैरों की बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम होती है और चेहरा भी। इसलिए नहीं कि वो गर्म गर्म ताप मिल रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी के, यदि वो गलत खाएंगे तो, उनका उल्टा सीधा खाना है तो ही, वही वाले लोग सब नहीं। तो अग्नि का ताप ना हो, एक्सरसाइज करें पर ओवर एक्सरसाइज ना करें, और धूप में जाएं पर ओवर ना जाएं। मैथुनम मतलब जो सेक्सुअल एनर्जी है बॉडी की, जो कूल जो सीमेन है उसका लॉस ना करें, और मां खाने पीने में माशाह उड़द की दाल कभी न दें जिसको इन्फेक्शन हो रहा हो। इडली वड़ा अवॉइड करवा दें, उड़द की दाल बना करके देते हैं वो भी अवॉइड करा दें, और कुल्थी न दें। निष्पाव बोलते हैं सेम को, सेम की फली खाते हैं ना लोग, और कलाए बोलते हैं मटर को, और क्षार सेवन, ये जो पापड़ होता है ना वो क्षार होता है, पापड़ न दे उनको, और अंडजानूप मांसानी, भाई साहब ये जो एग खाते हैं अंड, और मीट, और क्या मीट कौन सा, अनूप वाला, मतलब मछली वगैरह खाते हैं, फिश जो खाएगा और यदि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, उष्ण होता है, तो वो तो गया काम से। तो भैया ये आजकल का समय नहीं है नॉनवेज खाने का। जब पहले लोग खूब वॉकिंग किया करते थे, 20 किलोमीटर रोज उनका रन था, तो भी वो जीर्ण होता था। अब ये सब बॉडी में जाकर के इन्फेक्शन पैदा करेगा और कुछ नहीं करेगा, केवल टेस्ट के चक्कर में लोग खाए पड़े हुए हैं, और उसमें ऑक्सीटोसिन डाल रहे हैं, क्योंकि भाई उनको बल्क बनाना है ना, उसका चिकन वगैरह का इतनी डिमांड हो चुकी है अब तो हर जगह पर, वो तो टीवी के थ्रू किया जा रहा है। जानवर भी बेचारा, उसकी हत्या मत करो, उसके बुरे कर्म मत लो, और शरीर को पॉइजन भी मत दो। खैर ये आप पर डिपेंड है, पर मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया, शास्त्र कह रहा है खतरनाक है ये इन्फेक्शन वालों के लिए तो बहुत ज्यादा। और विरुद्ध आहार ना खाएं, जैसे दूध के संग में कटहल, जैसे दही को गर्म करके खाना, और दही जनरली अवॉइड कर देना चाहिए। जिनको भी इन्फेक्शन है वो दही खूब खाते हैं, मत खाने दें, और इक्षुओ स्वीट शुगर बिल्कुल बंद करवा दें, और मूली और मद्य, ये जो शराब पीने वाले लोग हैं वो तो पता नहीं कैसे मानेगा, बंद करवा दें, और ये तांबूल, ये जो पान खाने वाले लोग, ये तंबाकू जो खाते हैं, तीक्ष्ण होती है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन है और वो और खाए पड़ा है तो वो फिर कैंसर में कन्वर्ट होता है। शराब पीने वालों को कैंसर इसीलिए ज़्यादा होता है, नॉनवेज खाने की वजह, इसी वजह से कैंसर ज़्यादा होता है। जब भी आप बहुत ज़्यादा खट्टा, मिर्च का फ्राइड, नॉनवेज और ये मीट, ये सब खाएंगे और शुगर बहुत ज़्यादा लेंगे, तो उस व्यक्ति को बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा। वो बॉडी बैक्टीरिया वायरस के लिए सबसे बढ़िया जगह है। ये बेचारे बैक्टीरिया वायरस अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ये ढूंढते हैं ऐसे इंसान का घर जो ये काम कर रहा होता है। ये मैंने आपको एनालॉजिकली बता दिया।
अब कांजिकम मतलब कांजी खट्टा खट्टी चीजें जो हैं, और तिल, तिल भी कम खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। कटु उष्ण, ये जो बहुत ज्यादा जो गर्म जो चीजें खाते हैं लोग, ये मिर्च वाली हरी मिर्च चबा चबा खाते हैं, तल तल के खाते हैं। और इन लवण गुरु अभिष्यंद लवणानी सक्त एतानी वात रक्तेशु नैव युज्य विषकवरा, इनको पूरी तरीके से अपने पेशेंट से आप कह के इनको बंद करवा दीजिए। अगली चीज तो खाए क्या, वो खाए क्या, गोधूम चणका मुद्गह, गोधूम बढ़िया गेहूं की पतली पतली चपाती बनवाइए, चणक चना, देखिए वात का यदि वायु का विकार है तो चना डेंजरस है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, तो चना उसके लिए बहुत अच्छा होता है। घोड़ा चना ही तो खाता है, कितने किलोमीटर दौड़ता है, मसल्स और स्किन को पावर देने की चीज है चना। मुद्ग मूंग दाल, तुवर अरहर दाल, इनको और मकुष्ट मतलब ये जो दाल मोठ मोठ आती है ना, मोठ दाल मोठ आप खाते हैं ना, वो उसमें मोठ एक दाल होती है। और अव्य माहिष गव्य दुग्ध, जो दूध है वो जनरली तो वो कह रहे हैं कि भेड़ का गोट मिल्क या बफेलो मिल्क या काऊ मिल्क, मैं कहता हूं भाई काऊ मिल्क मिल जाए तो वही बेटर है, पर बाकी आपकी मर्जी। और सब्जियों में क्या, वास्तु कम मतलब बथुआ, कारवेल्लम च तंडुलियम पटोलकम, चार सब्जियां हैं लिख लीजिए, एक तो पटोल परमल, वास्तुक बथुआ, कारवेल करेला, तंडुलीय चौलाई, ये चार सब्जियां घर में बराबर बननी चाहिए। जो ये चार सब्जियां खाते हैं उनको इन्फेक्शन नहीं होता। और आंवले का फल या आंवले के फल का पाउडर, श्रृंगवेर मतलब अदरक, यदि और श्वेत शर्करा खानी है तो मिश्री थोड़ी सी खाए, और मृद्वीक मतलब किशमिश मुनक्का ड्राई ग्रेप्स, वृद्ध कुष्मांड ये जो कुंभड़ा होता है ना बड़ा वाला लौका वो खाना चाहिए, और नवनीत थोड़ा मक्खन, ये चीजें जो खाएगा उसे कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा।